जैसे ही यूके में समर स्टार्ट होते हैं लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, जैसे इंडिया में होता है कि गर्मियों में लोग बाहर ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं, अपने एसी के कमरों में और गाड़ियों में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे समर काफ़ी प्लेजेंट होते हैं, इतनी गर्मी नहीं होती है यहाँ पे, तो लोग अपने वॉक करने, साइकिलिंग करने, कैनोइंग करने या मतलब बस घूमने निकल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ की वॉक्स बहुत ही फेमस हैं, यहाँ पे कैनाल्स हैं, काफ़ी कैनाल्स को जोड़ के यहाँ पे लंदन बनता है, और काफ़ी यहाँ पे शिप्स आती जाती रहती हैं, छोटी छोटी वाली काफ़ी बार्जेस होते हैं यहाँ पे। तो आज हम भी एक कैनाल टूर करेंगे यहाँ पे, एक छोटी सी जो लाइम हाउस बेसिन है वहाँ से लेके रीजेंट कैनाल जाती है जो कि स्टेट पर, और लास्ट में हम पहुँचेंगे ओलंपिक पार्क तक। तो चलिए चलते हैं। Welcome to Little Venice of London. तो इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं इसको बोलते हैं लाइम हाउस बेसिन, और इसे रीजेंट्स कैनाल डॉक भी बोला जाता था पहले, और 1820 से लेके 1969 से कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम सबकी बोट्स यहाँ पे आती थी और यहाँ पे अनलोड होती थी। तो सारा जो सामान था वो यहाँ पे इसी जगह पे आता था और यहाँ से ही आगे पूरे यूके में बांटा जाता था। तो लेकिन अब ये चीज़ बंद हो गई, अब यहाँ पे लोगों ने अपने रहने के लिए और अपने एंजॉय करने के लिए शिप्स डॉक करी हुई हैं। अगर आप वहाँ पे देखें वो शिप है जो कि फॉर सेल है, उसको बार्ज बोलते हैं। तो कोल सबसे ज़्यादा यहाँ पे कार्गो में आता था। तो वॉक कर दी हमने स्टार्ट यहाँ से। यहाँ पे बहुत बड़ी बोट आ रही है सामने से। ये जो पूरी वॉक है ये 4 किलोमीटर की है और इसमें लगेगा पूरा 1 घंटा पहुँचने में। एंड तक बने रहिएगा इस व्लॉग में ये जानने के लिए कि हमने वॉक कंप्लीट की या बीच में छोड़ के हमें कोई ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ा। नहीं लेंगे हम ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट का सहारा। हम नितिन इज वेरी डिटरमाइंड, हाँ, कमिटमेंट करके आए हैं कि हम वॉक करेंगे पूरी ये। विल सी। तो ये वाली जो बोट्स हैं इनमें आप देख सकते हैं कि लोग रह भी रहे हैं, इनमें चिमनीज भी हैं जो चल रही हैं इस टाइम पे, और इनको बार्ज बोलते हैं। इसके अंदर रहने के लिए आपको, आप कहीं पे भी नहीं रह सकते हैं, इसके लिए आपको काउंसिल को पैसे देने होते हैं, टैक्स करना होता है कि आप कहाँ पे इसको रहेंगे। और ये बोट के लाइसेंसेस होते हैं जैसे कि कार के लाइसेंस होते हैं, तो इसकी कॉस्ट अराउंड मीटर के हिसाब से होती है, कितनी लेंथ है बोट की उस हिसाब से मूरिंग का आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो लगभग 500 पाउंड है 1 साल का 1 मीटर की लेंथ का। छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं देखिए स्केटिंग करते हुए, बड़े सुंदर फूल आ रहे हैं। तो इस रिवर का नाम है रिवर ली, बड़ा ही सुंदर सा पुल आ रहा है आगे जहाँ से लोग क्रॉस कर रहे हैं। देखिए लोग बाहर पार्टी भी कर रहे हैं अपने बार्ज के बाहर, ड्रिंक्स एंजॉय हो रही है दोपहर में, धूप के नज़ारे ले जा रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी लोग हैं वैसे रास्ते में। ये पेड़ अजीब सा है जिसमें से रुई सी गिर रही है, देखिए यहाँ पे सारी बिछी हुई है,
किसी को इसका नाम पता है तो हमें कमेंट में बताइए कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए पूरा ये कनाल के साथ साथ ये घर भी बने हुए हैं, बहुत सही व्यू है इन घरों का, काफ़ी महंगे होंगे ये वाले घर। बड़ा सुंदर सा पेड़ आ रहा है आगे। काफ़ी लोग हमारे सामने से निकल के जा रहे हैं, शायद शादी वाले लग रहे हैं क्योंकि सबने ड्रेसेस और वो सूट्स पहने हुए हैं। ये कनाल साइड पे शादियां भी होती हैं। बड़ा नैरो ब्रिज लग रहा है ये वाला। ये जो बोट्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे कोई भी लेके खड़ा कर सकता है ना, ऐसे हम भी लेके खड़ा कर लिया अपना। लेके तो कोई भी खड़ा कर सकता है बट उसकी परमिशन लेनी होती है, तो काउंसिल में बताना होता है कि हाँ हम यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे बोट को मूर करेंगे, यहाँ खड़ी करेंगे। बेसिकली मूरिंग होता है बेसिकली जहाँ पे बोट खड़ी कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ एंकर डाल के यहाँ जैसे बांध देते हैं ना, जैसे ये जैसे यहाँ पे बंधा हुआ वो देखो, तो इसको मूरिंग बोलते हैं। अच्छा। तो उसके लिए क्या कहते हैं, टैक्स पे करना होता है, परमिशन लेनी होती है कि इस जगह पे ही हम खड़ी करेंगे अपनी। क्वार्टर के हिसाब से मंथली, एनुअली, डेली भी कर सकते हैं आप। okay, तो उस हिसाब से चार्जेस होते हैं। तो ये साइड में ऐसे रस्ते में ये भी लगा हुआ है बेंच टाइप, बैठ के अपना कुछ भी कर सकते हो। वो हमें ये डालना था। ये भी अच्छी जगह है ब्रेक लेने के लिए, ब्रेक ले सकते हो यहाँ पर। अगर आप वॉक करते करते थक गए हो तो यहाँ पर बैठ के अपना खान पान कर सकते हो। तो लोग यहाँ पे वो भी करते हैं कायाकिंग, ऐसे क्रॉस करना पड़ता है कि ये बीच में ब्लॉकर्स है। बड़ा मेहनत का काम है भाई। यहाँ पे देखो काफी लोगों ने बोट्स के नाम भी रखे हुए हैं, इसका नाम माइटी क्वीन। ओके। एक पीछे था बैजर। बैजर क्या होता है, एनिमल होता है ना शायद। हाँ, एक काला सफेद रंग का। इसका क्या नाम है देखो, हार हेजलवुड। तो ऐसे अलग अलग नाम रखे हैं लोगों ने, सुंदर लग रही है वैसे ये वाली तो। और ऊपर सोलर पैनल्स भी लगा रखे हैं। सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी बोट है। जो है सेल पे है, लिखा हुआ 46,000 पाउंड्स में बेच रहे हैं। किसी को इंटरेस्ट है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं बिल्कुल साथ साथ में, और वो कैफेज। कियान का फेवरेट काम है ग्रास पे क्रॉल करने का। रास्ते में क्यूट सा कैफे भी आया है जहाँ पे थोड़ा ब्रेक ले सकता बंदा। काफी चलता फिरता हुआ रास्ता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ नहीं है, लोग नहीं है या फिर कोई ब्रेक लेने का पॉइंट नहीं है। अच्छी वॉक है फिलहाल तक तो। वैसे तुम्हें पता है ये कनाल्स किस लिए यूज होती थी? यूज क्या, बोट्स के लिए होती होंगी और क्या? नहीं, ट्रांसफर करने के लिए चीजें। हाँ, मतलब ट्रांसपोर्ट कार्गो का मेनली यूज होता था कि सिटी में कैसे आएगा। जब पुराने टाइम में जो बड़ी बड़ी शिप्स थी वो बाहर मेन सी के पास खड़ी रहती थी, फिर छोटी छोटी शिप्स में वो सामान लेके यहाँ पे छोटी छोटी कैनाल्स के थ्रू आता था सामान सिटी के अंदर। अच्छा। हाँ, लेकिन अब इसका वो यूज़ नहीं है। अब सिर्फ यहाँ पे लोग रहने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। और हमारे जैसे सैलानी ऐसे घूमने में, मतलब लाइन की लाइन लगी हुई है देखो, मतलब वहाँ ऐसा नहीं है, टेम्परेरी वाले नहीं है कई सारे, तो इसमें ऐसे लग रहे हैं क्योंकि मतलब घर ही है उनका, रह रहे हैं, मतलब प्रॉपर हाउस ही है उनका। एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें था कि मतलब यहाँ पे इसमें रहना काफी सस्ता पड़ता है। हाँ। तो मतलब रेंट आपको पता ही है कि लंदन में रेंट को तो आग लगी हुई है, तो उस हिसाब से मे भी लोगों को अच्छा लगता हो जो कि रह सकते हो, बट इतना फिजिबल नहीं है यहाँ पे इसमें रहना मुझे जो लगता है। मतलब हम जैसे लोगों को नहीं समझ में आता, बट भाई यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं तो अपना। हाँ, इस थोड़ी सी जगह में चलना, मतलब रहना और कैसे रहना, और मतलब एक जगह पे आप एक जगह पे तो नहीं रह सकते ना। हाँ, बार बार आपको हिलते डुलते रहो तो कईयों के लिए फन हो सकता है। हाँ। बट कईयों के लिए मुश्किल भी हो सकता है चीज। तो आई थिंक हमें अपने व्यूअर से पूछना चाहिए, कमेंट्स में बताइए कि आप ऐसे बोट लेके कहीं पे रहना चाहेंगे, आप इतने एडवेंचरस हैं ये काम करने के लिए। इस साइड सारा पार्क है, तीन चार पार्क हैं, एक माइल एंड पार्क आया था, अब आगे जाके विक्टोरिया पार्क आएगा जो कि बहुत बड़ा है।
और उसके साइड साइड पे ये कैनाल चल रही है। और ये वाली जो बार जाए कितनी बड़ी है। ये बोट जा रही है, लोग कहीं तो निकले हैं घूमने, या तो शिफ्ट हो रहे होंगे या कहीं घूमने के लिए जा रहे होंगे। तो इस कनाल को पूरा फॉलो नहीं करना है, यहाँ से आप राइट ले लें विक्टोरिया पार्क की तरफ और वहाँ से आपको सीधा सीधा जाना है, पहुँच जाएंगे सीधा ओलंपिक पार्क में। बड़ी बहुत बड़ी स्वान है, बड़ी ब्यूटीफुल है। बोटिंग हो रही, पैडल बोटिंग। तो ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है लंदन ओलंपिक्स का ग्राउंड, एलिजाबेथ पार्क इसको बोलते हैं। क्वीन एलिजाबेथ ओलंपिक पार्क, और ये 2012 में जब यहाँ पे लंदन में ओलंपिक्स हुए थे तब ये बनाया गया था, और साथ ही उसके लिए बनाया गया था वो स्कल्पचर जिसका नाम है आर्सलर मित्तल ऑर्बिट। स्टील किंग मित्तल साहब थे, उन्होंने बनवाया था ये। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्लाइड है, सबसे लंबी वर्ल्ड की स्लाइड है वहाँ पे, और 10 पाउंड के आसपास टिकट है और 40 सेकंड लगते हैं ऊपर से नीचे आने में। तो वो भी एक चीज है जो आप लंदन में कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या कहते हैं रेड वाले जो वो है वहाँ पे क्या, कहाँ पे है वो स्लाइड एग्जैक्टली? वो जो सिल्वर वाला जो सेंटर में है ना, जो ये दिख रहा है इसके अंदर है वो स्लाइड जो घूम के आती है। तो गाइज हमारी वॉक ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, यही था हमारा लास्ट स्टॉप। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही हम अपनी तरफ से आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते रहेंगे, लंदन घुमाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कियानी सिंह, बाय बाय।